ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में चार कलर की पेटीकोट सिखाऊंगी और साथ में सिल के भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने देखिए 2 मीटर कपड़े ले रखा है। तो हम सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसको हम जो है बेल्ट को नापेंगे 5 इंची। यहाँ से भी लेंगे 5 इंची। अब इसको इसी के सीधे से हम फोल्ड कर देंगे। तो हमने ये देखिए बेल्ट को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम जो कि ये 5 इंची है इसको हम फोल्ड कर दें तो 2.5 इंची बन गए। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे। इस तरीके से कटिंग इसकी डबल में ही कर लेंगे। तो हम इस जो है कि कपड़े को हम इसको अब इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब हमको लंबाई कितना लेना है वो आपके ऊपर कि हमको किस तरीके से कितना लंबाई चाहिए। तो ये देखिए इसकी जो है हमने जो है ये 34 इंची ये रखा है जो कि बगैर झालर के जो है ये बनेगा। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से निशान मार लेंगे। ये इतना जो कि फालतू है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर निकालेंगे। इसको देखिए हमने जो है कि फोल्ड कर रखा है। अब हमको जो है कि झालर वाला अगर बनाना है तो हम ये जो किनारी है इधर की भी और इधर की भी तो हम इसको जो है 1.5 इंची 2-2 इंची जो भी झालर हमको जो है कि निकालना है हमें इधर से निकाल लेंगे। लेकिन हमको बगैर झालर की बनाना है तो हम इसको अब इसमें कुछ चाहें सिर्फ बस जो है कि डोरी के लिए हम इसमें निकालूँगी कितना नाप के 1.5 इंची। अब हम इसको जो है फोल्ड देने का इस तरीके से तिरछे में। यहाँ से हम जो है कि 11.5 इंची ले रहे हैं। इसको जो है 21 इंची। तो ये जो है कमर का भाग है और ये नीचे का भाग है। अब इसको हम दोनों की तरफ से नापेंगे यहाँ से भी। तो हमने ये जो है कि देखिए अच्छे से हमने इसको नाप के और आप लोग को दिखा भी दिया है। अब हम इसको जो है कि बीच में कैंची इस तरीके से डाल के ऐसे अब इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर इसको जो है लाइनिंग जो है कि खींच के अगर आप लोग को काटना है तो आप लोग लाइनिंग भी जो है कि निशान लेके पल्ले खोल के जो है कि काट सकते हैं। लेकिन हम इसको यहाँ से मैं ऐसे काट इस जो है कि 2 पल्ले को रख लिया है ये जो है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे जो है फोल्ड करेंगे। पल्ला जो है कि जोड़ते समय छोटा बड़ा हो जाता है इसलिए इसको हम थोड़ा से यहाँ से कटिंग देंगे फोल्ड कर इसको भी। और दूसरा जो है अभी वाला पल्ला को भी हमको ऐसे ही काटना है बिल्कुल सेम। जब इसको ये दूसरा जो है कि पल्ले का जो है कि कमर तरफ से इसको भी यहाँ से हम कैंची से कटिंग कर देंगे। तो ये दोनों पल्ले जो है कि अलग अलग हो। अब इस पल्ले का जो है जैसे कि तिरछा है ये जो है ये देखिए ये तिरछा पल्ला है। अब इसको हम ये जो सीधा भाग है ना ये देखिए एकदम सीधा तो एक जो है कि तिरछा और एक जो है कि सीधा हम इस पल्ले को मिला से इसको मिलाते हुए ये दोनों को सिलाई यहाँ से कर देंगे। ये इसी पे सिलाई जो है कि लगा देना है। अब हम इसको सिलाई जब लगा देंगे तो इसी तरीके से चारों जो है पल्ला में लगाना है। देखिए है ये बेल्ट जिसमें कि बेल्ट जो है कि डबल यहाँ करके 17 × 34 है अभी। तो हमको कितना लेना है कमर को कमर के जितनी जिसकी कमर हो उस हिसाब से आप इसको जो है कि बढ़ा सकते हैं बेल्ट को। तो हमको जो है बेल्ट को 20 इंची हमको लेना है। तो अभी हमारा ये जो है कि 6 इंची कपड़ा जो है कम पड़ रहा है तो हम इसको यहाँ से हम इसको जो है दोनों तरफ से जोड़ इसको लगा देंगे। अभी इसकी यहाँ से कटिंग देंगे कर अभी देखिए 21 इंची आ गए। अब इसमें जो है कि सिलाई हमारा जो है कि कमर की फिटिंग आ जाएगी सिलने में। देखो इस तरीके से सीधी सिलाई जो है कि दोनों पल्ले में लगा लिया। अब इसको हम देखिए इसको खोल देंगे। देखिए सीधी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से सेम हम
इस जोहे के पल्ले पे ये तिरछा है और इस पे रखना है सीधा पल्ला। ये देखिए ये तिरछा है, ये सीधा पल्ला है, फिर से इसी सेम तरीके से अब इस पे जो है कि सिलाई लगा देना है पूरे पे। तो हमने देखिए चारों पल्लों को जोड़ दिया है अब इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है, ज़्यादा नहीं, जो है कि 4 इंची, ये 4 इंची से यहाँ पे सामने लगा लेंगे। अब इसको जो है फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, सीधे एकदम से सिलाई लगा के यहाँ पे उतार देनी है, जो है इधर भी और जो है दूसरी तरफ इस तरीके से रखेंगे बेल्ट। अब ऐसे रखेंगे उल्टे की तरफ से और इसको हमको सीधे की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए दोनों तरफ इतना इतना जो है कि सिलाई में लगा देना है ये दोनों तरफ, जो कि चाक किसको बोलते हैं। अब इसमें जो है कि बेल्ट इसमें लगाएंगे, हम इसमें स्टिच कर रहे हैं बेल्ट को। तो ये जो है उल्टे की तरफ बेल्ट को रखना है तरीके से, पहले सिलना है। तो अब इसमें जो है कि इसमें हमने सिंगल जो है कि सिलाई कर ली, अब इसमें जो है कि डबल इसमें लगाएंगे सिलाई, इसमें थोड़ा सा गैपिंग लेकर के। तो ये देखिए बेल्ट को मैं एकदम से तैयार कर दी हूँ, अब इसको जो है कि पलट देंगे। तो अब इसको हम नीचे को फोल्ड करेंगे, अब इसको नीचे से इसको हम फोल्ड कर देंगे मोड़ मोड़ के। तो ये देखिए जो है पेटीकोट बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। कि आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।